हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग ऑफ डे टू विद अस। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स का पार्टनरशिप फंडामेंटल्स डे टू। तो चलिए लास्ट क्लास जो लास्ट डे वन में जो किए थे एक बार उसको साइड रखते हैं और उसको एक बार के साइड रखते हैं, उसको वापस कनेक्ट करेंगे। तो इमेजिन करो अपन ने डिसाइड किया एक पार्टनरशिप बिजनेस करने का, ठीक है। हर बिजनेस का एक नाम होता है, यस होता है। तो अपने लर्निंग के लिए ना अपना फर्म का नाम रहेगा राजा फर्म, ठीक है। तो यार समझना, तेरा फर्म का नाम क्या है? राजा फर्म। तो यार ये जो फर्म है ये बिजनेस कर रहा है, अब इसके ओनर होंगे, तो लेट अस कीप टू ओनर्स, ए एंड बी। तो हम लोग ने बात किया एक पार्टनरशिप बिजनेस का जिसमें दो ओनर्स है, ए एंड बी, ठीक है। तो इन ए और बी को हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स, और ये राजा फर्म हम लोग का बिजनेस हो गया है भाई, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस करने के लिए, टू बिगिन एनी बिजनेस, सबसे पहले किसका जरूरत होता है? पैसा का। बिना रुपए का तो धंधा स्टार्ट नहीं हो सकता ना भाई, फाइव भी तो रुपया है रियल बिजनेस के अंदर। तो यार अब डिसीजन ही होगा कि ए हमारा अमीर है, ये भी अमीर है, थोड़ा सा गरीब है। तो ए बोला हम लोग दोनों अपने अपने धंधे में रुपया डालेंगे। किसमें रुपया डालेंगे? इन द पार्टनरशिप फर्म। ए और बी दोनों जन पार्टनरशिप फर्म में रुपया डालेंगे। ए और बी दोनों जन जो जो रुपया डालेंगे दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। ओनर जो भी रुपया बिजनेस में लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ओनर जो भी रुपया बिजनेस में लगाते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो मान ए ने कैपिटल लगाया 5 लाख रुपया, ठीक है। बी ने कैपिटल लगाया 1 लाख रुपया, सही है। तो अब इस बात पे पता है नाराज कौन होगा? ए बोलेगा मेरा कैपिटल इतना ज्यादा है, बी तुम्हारा कैपिटल तो इतना कम है। और अब डे वन को याद करते हैं, ये पार्टनरशिप फर्म जो भी प्रॉफिट कमाएगा ये प्रॉफिट ए और बी के बीच में बटेगा इन अ पीएसआर। एंड व्हाट इज द पीएसआर? 1:1। तो अब ए रूट गया, ए बोला हम धंधा में कितना रुपया लगाया? 5 लाख, पर प्रॉफिट बराबर मिल रहा है। बी बोला देखो प्रॉफिट बराबर इसके लिए मिल रहा है क्योंकि काम दोनों जन बराबर करता है, ये आइडिया मेरा था, तो ऐसा थोड़ी होगा कि तुमको ज्यादा मिलेगा। ए पता है क्या चाहेगा? पीएसआर होना चाहिए 5:1। 5:1 मतलब इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। ए बोलेगा नहीं 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 ना मुन्ना, ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा। बी ए बोलेगा कि ऐसा नहीं होगा, ए चाहेगा 5:1 हो, बी बोलेगा नहीं 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 भाई फिर तो धंधा ही नहीं होगा। हम लोग सबको पता है आधा कलेश पार्टनरशिप बिजनेस में पैसा का ही है, पैसा का कलेश में तो जिंदगी में नहीं। तो भाई ये कलेश ना होगा तो आप एग्रीमेंट बढ़िया बना देना। तो आप जब रियल लाइफ में पार्टनरशिप बिजनेस करो ना एग्रीमेंट सॉलिड बना देना, एंड ऑलवेज मेक अ रिटन एग्रीमेंट। और रिटन एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो जो भी आप डिसाइड करो धंधा शुरू करने से पहले वो सब कुछ इस पार्टनरशिप डीड में लिख देना, समझ रहे हैं? तो अभी क्या है ना पीएसआर 1:1 डिसाइड हुआ वो डीड में लिखो। पर इस बात में नाराज कौन है? ए बोल रहा भाई ये थोड़ी होगा, मेरा तो कैपिटल ज्यादा है, हम क्यों माने 1:1। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता है पार्टनरशिप क्या देता? लेट देयर बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेट देयर बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कंसेप्ट है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसेप्ट ये है कि अगर आपने कैपिटल ज्यादा लगाया उस कैपिटल पर ब्याज ले लो। पैसा का फाइट तो ब्याज का ही है, आपने ज्यादा पैसा लगाया उसके ऊपर ब्याज ले लो, तो ए का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आज अगर आप 5 लाख नहीं लगाएगा, ए भी 1 लाख लगाएगा, तो बिजनेस को 4 लाख का क्या लेना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा। लोन लेगा तो ब्याज लगेगा, तो किसी बाहर वाला को ब्याज देने से अच्छा है ए वो पैसा लगाएगा, हम लोग ए को ब्याज दे देगा, इंटरेस्ट दे देगा। समझो हम क्या बोला? पार्टनरशिप भी क्या होता है? जब दो या दो से अगर लोग साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं तो मोटिव टू अनलॉक। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए भाई। तो पैसा कौन कौन लगाएगा? पार्टनर लगाएगा, ए और बी। ए ने 5 लाख लगाया, बी ने 1 लाख लगाया, तो भाई किसका कैपिटल ज्यादा लगा? ए का। अगर ए का कैपिटल ज्यादा लगा तो ए को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए,
पर डे वन में हमने ये बोल दिया था कि हम लोग का पीएसआर क्या है 1:1, तो भाई फिर तो एक का नुकसान हो गया, कैपिटल ज्यादा है प्रॉफिट बराबर है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग ने बोला कि वी विल गिव यू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब आपका ज्यादा पैसा है तो आपको ज्यादा ब्याज मिल जाएगा, तो आपका ज्यादा पैसा लगाने का दर्द ही खत्म हो गया। तो समझो लेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी 10%। ठीक है, अब थोड़ा सा रिवाइंड जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट आपने बिजनेस का निकाल लिया, इमेजिन करो तू भी मान लो 5,00,000 रुपया नेट प्रॉफिट आया। अब इस नेट प्रॉफिट को हम लोग एप्रोप्रिएट करेगा बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, यहां पर हड़बड़ी नहीं करना, आराम से चलते हैं। तो पार्टनरशिप में दो या दो सारे लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, सही है। तो मैंने इस बिजनेस का प्रॉफिट निकाला, कितना आया नेट प्रॉफिट 5,00,000। अब ये 5,00,000 एप्रोप्रिएट होगा बिटवीन ए एंड बी इन द पीएसआर, एंड इन्होंने पीएसआर क्या डिस्कस किया था 1:1। तो मतलब ये प्रॉफिट दोनों के बीच में बराबर बांट देना चाहिए ना, प्रॉफिट को दोनों के बीच में बराबर बांट देता है, खत्म करता है झमेला। पर तभी याद आया ए को, ए पता है क्या बोला, मैंने कैपिटल कितना लगाया 5,00,000। बी बोला मैंने कैपिटल कितना लगाया 1,00,000। अगर प्रॉफिट बराबर बांटेगा तो ए को खराब लगेगा, क्योंकि ज्यादा रुपया लगा क्योंकि उसको बी जितना ही प्रॉफिट मिल रहा है, बी कम लगा के भी फायदा कमा रहा है। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता है क्या है, ए और बी को हम लोग क्या दे देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी को क्या दे देगा हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ताकि ए का जो ज्यादा पैसा उसके ऊपर ब्याज मिल जाए। अब एक और मैथ्स करते हैं, 5,00,000 का 10% 50,000, तो ए को एक आईओसी मिलना चाहिए 50,000 का और बी को आईओसी मिलना चाहिए 10,000। तो पता है ए क्या बोलेगा, बिफोर यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, बिफोर यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, बिफोर आप 5,00,000 को पीएसआर में बांट रहा है, इस 5,00,000 में से आप पहले क्या दो आईओसी, ताकि ए जो ज्यादा रुपया लगाया है ना उसका उसको दुख नहीं। तो स्लो डाउन, पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में मिलकर बिजनेस करता है विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, तो जो भी ये बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा वो ये दो या दो से ज्यादा लोग के बीच में बटेगा, एक रेशियो में बटेगा। उस रेशियो को अपन बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये कौन डिसाइड करता है, ए और बी मिलकर डिसाइड करता है थ्रू एन एग्रीमेंट विच कैन बी इधर ओरल और रिटन। हमारा धंधा रिटन वाला, हम लोग बिलीव रिटन में करते हैं, तो रिटन एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डेट। तो ए और बी ने बोला लेट द पीएसआर बी 1:1। ठीक है यार, अब अगर हम लोग ये धंधा करेंगे तो हम लोग इसका प्रॉफिट निकालेगा, प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग और पीएनएल बनता है, वो बना लिया हम लोग ने, इमेजिन करो बी के लिए, तो उस धंधा का नेट प्रॉफिट 5,00,000 है। तो बी बोलेगा चलो 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 प्रॉफिट आ गया 5,00,000, फटाफट बांटो पीएसआर 1:1। तो अगर बांटेगा 1:1 तो 2,50,000 मिलेगा। तो अगर 2,50,000 मिलेगा ना, सबसे नाराज कौन होगा, ए, क्योंकि ए ने 5,00,000 लगाया और 2,50,000 मिला, बी ने 1,00,000 लगाया और 2,50,000 मिला, फिर तो फायदा क्या हुआ भाई। तभी तो एक कंसेप्ट आया कि अगर कैपिटल बराबर नहीं है तो दोनों को लोग मिलकर डिसाइड कर सकता है टू पे व्हाट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पता है ए क्या बोलता है, बिफोर यू अप्रोप्रिएट द प्रॉफिट, बिफोर यू अप्रोप्रिएट द प्रॉफिट, हम लोग दोनों को अपने कैपिटल के ऊपर क्या मिलना चाहिए, आईओसी कितना रुपया का 60,000। तो ऐसा एक टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप डील में चला जाता है कि ओके, कि हम लोग का जो नेट प्रॉफिट आएगा वो पीएसआर में बटने से पहले क्या दिया जाएगा, आईओसी, क्योंकि पीएसआर बराबर है पर कैपिटल बराबर नहीं, तो ये झगड़ा सॉल्व हो गया। दूसरा झगड़ा बी शुरू कर दिया, बी बोला ए तुम पैसा ज्यादा लगाया पर सारा मेहनत कौन करता है, ए स्लीपिंग पार्टनर है, स्लीपिंग मतलब वो धंधा में रोज रोज नहीं आता है, कभी कभी आता है, पर सारा काम पता है कौन करता है, बी, सारा मेहनत बी करता है, खून पसीना बी बहाता है, डेली धंधा का माथा पच्ची बी करता है। भी बोला ए ए तुम तो प्रॉफिट बराबर बांट रहे और अपना कैपिटल के ऊपर भी ब्याज ले लिया है और धंधा दोनों बराबर कर रहा है, ये नहीं हो सकता भाई। तो ए बोला क्या करना चाहता है, बोला हम तुमसे ज्यादा काम करता है तो हमको ना अपना मेहनत के लिए पता है क्या चाहिए, सैलरी। मतलब बी ओनर है पर वो बिजनेस से पता है क्या लेगा, सैलरी। आप इमेजिन करना, हम लोग एक मैथ सीखेगा, अगर मैं 5,00,000 को एक बार बराबर बांट दू तो 2,50,000 बटता, अगर कुछ नहीं होता तो इसमें तो ए नाराज हो रहा था, ए रोने लग गया था, अपना ए छोटू रोने लग गया था,
बोला नहीं 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 नहीं, एकदम खून का आंसू बहा दिया। बोला नहीं 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 ये नहीं हो सकता भाई। तो उसके लिए उसको शांत करने के लिए क्या दे दिया? आईओसी। जब आईओसी का नौटंकी खत्म हुआ तो एक जन और रोने लग गया, बी रोने लग गया। बी बोला अरे तुम तो अपना कैपिटल ज्यादा था उसका तो तुम मजा ले लिया, पर हम ज्यादा काम करता उसका क्या? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बी को क्या देने लग गया हम लोग? सैलरी। एक काम करता बी का सैलरी बढ़ाता है भाई, बी बेचारा बहुत मेहनती है, 1,00,000 रुपया। अब कितना हो गया? 3,40,000। ठीक है। अब बी बोला देखो हमको सैलरी मिल गया, तुम्हारा ज्यादा कैपिटल के ऊपर तुमको इंटरेस्ट मिल गया, अब तो प्रॉफिट बांट लो ना जितना बचा है। हम लोग दोनों जन पहले आईओसी और सैलरी ले लिया, अब जो बचा वो तो बांटो। तो ए बताए क्या बोला? बाजार में नाम तो मेरा ही है। ए बोला तुम जो सामान धंधा में बेच रहे हो सारा कस्टमर तो हम ही ला रहे हैं, तुम थोड़ी ला रहे हो सारे कंज्यूमर्स को, सारे कस्टमर्स हम ला रहे हैं। कौन बोला? ए। ए बोला जो भी आता ना इस दुकान में सब मेरे नाम के कारण, तुमको तो कोई जानता ही नहीं है, उसका क्या? तो बोला ठीक है तुम रो मत और प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ले लो कमीशन, ले लो कमीशन, जियो जिंदगी, जुग जुग जियो। तुम जानते हो तुम्हारे कारण सेल होता है, तो तुमको क्या दे रहा है कमीशन? ये कमीशन किसको मिल रहा है? एक। ओ, अब कितना बचा? 3,00,000। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, ये नेट प्रॉफिट डायरेक्टली कैपिटल में ऐड नहीं हो रहा है, नेट प्रॉफिट का छोटा छोटा पिगी बैंक बन रहा है। एक पिगी बैंक में जा रहा है आईओसी। क्यों जा रहा है आईओसी? क्योंकि एक पार्टनर का कैपिटल कम है दूसरा का कैपिटल कम ज्यादा है, तो एक पार्टनर का कैपिटल कम है दूसरा का ज्यादा है और पीएसआर बराबर है, तो जो ज्यादा पैसा लगाया वो तो खराब पाएगा। उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या है? आईओसी। बी बोल रहा है तुमसे ज्यादा काम करता है पर दोनों का प्रॉफिट बराबर है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या होता है? सैलरी। कमीशन ए को मिलता है क्योंकि ए ज्यादा सारा मीटिंग करता है, सारा कस्टमर को लेके आता है, सारा नाम उसका है। तो ए बोला हमको ज्यादा चाहिए, तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए क्या दे दिया? कमीशन। अब कितना बचा? 3,00,000। अब ए और बी बोला चलो अब बांट लो भाई प्रॉफिट को फाइनली। ए और बी के बीच बटा 1,50,000-1,50,000, इक्वली बांटा। अब मैथ्स करो एक बार, ए को यहां पे 50 मिला, यहां पे 40 मिला, यहां 1,50,000 मिला, तो ए को मिला टोटल 2,40,000। बी को करते हैं ऑरेंज हाईलाइट अपना बीजेपी वाला कलर, 10,000, 1,10,000, 1,50,000, तो ये हो गया टोटल 2,60,000 बी को। तो देखो भाई बटा तो अभी भी 5,00,000 ही है, जो बटना चाहिए था 2,50,000-2,50,000 में, पर बिकॉज ऑफ आईओसी, क्योंकि दोनों का कैपिटल सेम नहीं था, एक जन ज्यादा काम करता था तो उसको क्या मिलना चाहिए? सैलरी। बिकॉज ऑफ कमीशन ये प्रॉफिट अब 2,40,000 और 2,60,000 का हिसाब होता है। तो जो पार्टनरशिप में 2,50,000-2,50,000 मिलता अगर आईओसी सैलरी कमीशन नहीं होता, अब वो कितना पे मिल रहा है? 2,40,000 और 2,60,000। उसके लिए भाई रोलिए, अगर धंधा करो ना तो पार्टनरशिप डील बना लो, और अगर कैपिटल ज्यादा है तो आईओसी ले लो। आपको लगता है आप ज्यादा काम करते हो तो झगड़ा करने की जगह उसमें क्या दे दो? सैलरी। अगर आपको लगता है कस्टमर आपका ऐसा रहा तो आपका नाम के कारण सामान बिकता तो कमीशन ले लो भाई, उसके बाद प्रॉफिट बांटो। अभी इसमें और एक दो मसाला दर जाएगा पर सब पहला दिन देगा तो फायदा किया ना, इतना याद नहीं रहता ना, छोटा दिमाग रखना थोड़ा धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ आया है? तो ये जो पूरा नौटंकी हुआ ना, नेट प्रॉफिट को क्या करने का? अप्रोप्रिएट करने का इन द फॉर्म ऑफ आईओसी, सैलरी, कमीशन, और फाइनली इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का इन द पीएसआर। इन्हीं सब का अकाउंटिंग करने के लिए हम लोग एक अकाउंट बनाएगा विद द नेम ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, विद द नेम ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यही हमारा चैप्टर है फंडामेंटल। So easy guys, very very easy, कुछ भी नहीं है, that's it यार, इतना ही है, यही हमें सीखना है। जब day 3 जाएंगे तो एक एक आईओसी पहले सिखाऊंगा, फिर सैलरी, फिर कमीशन, फिर डिस्ट्रीब्यूट द पीएसआर, सबका जर्नल कैलकुलेशन सिखाएंगे, फिर आपको फुल फ्लेजेड पीएनएल अप्रोप्रिएशन सिखाएंगे। ये अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्लास पहले नोट्स लिखेंगे 2-3 मिनट, क्या क्या पढ़ाया है अभी तक मैंने, उसके बाद आगे का चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गाइस हैप्पी लर्निंग, जरूर पढ़िएगा, वीडियो को दो बार देखिए अगर समझ नहीं आया है, पर धीरे धीरे आप देखोगे ना, कंसिस्टेंसी रखोगे ना, लर्निंग हो जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ योर मैंडेट।
तब तक के लिए डू लाइक आवर पेज, डू शेयर आवर वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, इट विल बी ग्रेट फॉर अस। थैंक यू सो मच।